नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ये बोल्ड फॉन्ट को कम स्पेस में किस तरह से एक दूसरे पर चढ़ाकर लिखना है वो बताया था। तो वो मैं पेंट करके नहीं बताया था, बल्कि आउटलाइन करके ही दिखाया था। तो इसे मैं अब पेंट कर रहा हूँ, और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि दो तीन कलर को किस तरह से आप मिक्सिंग कर सकते हैं फॉन्ट में। तो मूल मकसद वही है मेरा इस वीडियो को बनाने का। इस तरह से ये इसका जो बेस है मेरा बोर्ड का वो डिस्टेम्पर है, और उसको मिक्सिंग करने के लिए कलर को हल्का करने के लिए इस तरह से आप रगड़ सकते हैं हाथ से, उंगली से, ब्रश से भी रगड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेम्पर का बेस है तो उसमें ब्रश से ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। आप एनामेल पेंट के बेस पर ये काम कर सकते हैं ब्रश से, लेकिन हाथ से ही मिक्सिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करें हाथ से ही मिक्सिंग करें, और उसको फिर उंगली में तेल लगाकर कपड़े से हाथ को पोंछ लें। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे की ओर लाल रंग किया है, बीच में पहले पीला मारा, पीला रंग किया है, अब यहाँ ऊपर की ओर मैं आसमानी रंग यूज कर रहा हूँ। इस तरह का कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको वो लाइनिंग कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे पीला रंग करना है, कहाँ से कहाँ लाल रंग करना है। तो उसका मैंने धागा पीट लिया, पहले लाइनिंग कर लिया धागा से, उसके बाद मैंने ये कलर करना शुरू किया है। अगर आप मिक्सिंग नहीं करना चाहते हैं इस तरह से तो सीधा सीधा कलर भी कर सकते हैं बिना मिक्सिंग के, लाइनिंग करके आप एक सीध में आप कलर करते जाएं। तो अपना अपना ये स्टाइल होता है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा, और उस हिसाब से अगर आपको पेमेंट होता है तो आप ज़रूर करें इस तरह से, और अच्छा करने का प्रयास करें। सिंपल में उतना खास नहीं लगता है, और समय भी कम लगता है सिंपल लिखने से, लेकिन हर क्षेत्र का अलग अलग डिमांड होता है। अगर आपके क्षेत्र में अच्छे ग्राहक हैं, आपको अच्छा पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, तो आप मेहनत कर सकते हैं इस तरह से, मेहनत तो लगता ही है। देखिए ऊपर मैंने ब्लू कलर लगाया है, तो थोड़ा सा अंधकार जैसा दिख रहा है। तो ब्लू कलर क्या होता है कि वो थोड़ा डीप कलर होता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। और चूंकि मैंने इसका आउटलाइन ब्लैक से किया हुआ है, तो इसका 3D इफेक्ट भी मैं ब्लैक से ही दूंगा, ज़्यादा सुविधा रहेगा, जल्दी होगा। और ये देखिए लाल कलर का नीचे मैं थोड़ा सा ब्लू कलर लगा कर उसको मिक्सिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जा रहा है कि मेरून कलर बन जा रहा है नीचे में, देखिए इस तरह से। अब मैं इस पर 3D इफेक्ट लगा रहा हूँ, देखिए ब्लैक से। इस तरह का फॉन्ट यानी कि बहुत अच्छा खूबसूरत अगर बोर्ड आप बनाना चाहते हैं और इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कम से कम 2 या 3 कोट ज़रूर चढ़ाएं कलर पर। ये तो मैंने सिंगल कोट में ही लिखा है, तो इसमें उतना ग्लेजिंग नहीं आता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बोर्ड में अगर आप लिख रहे हैं तो बोर्ड का बेस में अच्छा से पहले बेस लगा लें, और चमकदार होना चाहिए, वाइट बेस ज़्यादा अच्छा रहता है।
आप चाहें तो दूसरा का लाइट कलर का बेस लगा सकते हैं, और बेस में भी दो तीन कोट लगा लें जिससे कि चमक बढ़े। उसके बाद उस पर अगर आप लिखेंगे तो आपको फॉन्ट और कलर जो खिल कर आता है वो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। तो कभी भी इस तरह से अगर आप बोर्ड बनाते हैं तो उस फॉन्ट पर भी दो तीन कोट जरूर चढ़ाएं। तो देखिए मैंने 3D इफेक्ट दे दिया है यहाँ पर। अब इस पर मैं थोड़ा सा पीला कलर इस तरह से देखिए ये डबल में चढ़ा रहा हूँ। इस तरह से डबल कोट आप बोर्ड पर अक्षर पर जरूर चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिखावट में चमक आए तो डबल कोट करना ज़रूरी है, वो भी सूखने के बाद, गीला गीला में ही नहीं करें, नहीं तो वो कोट चढ़ेगा नहीं, हम आपको अच्छा नहीं लगेगा। सूख जाने के बाद दूसरा कोट चढ़ाएं तो इसमें समय लगता है, सूखने का आपको इंतज़ार करना होगा। अगर गर्मी का दिन है तो काम करते करते ही दूसरी और सूख जाता है, तो उस समय आप डबल कोट चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 3D इफेक्ट के लिए दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैं ग्रे कलर लगा रहा हूँ, तो ये मैं पूरा नहीं करूँगा, ये मैं शेडिंग के लिए लेके आया हूँ। ये कलर मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप ग्रे कलर से भी कर सकते हैं या दूसरा कोई कलर का यूज कर सकते हैं शेडिंग के लिए। तो चूँकि मैंने आउटलाइन ब्लैक से किया हुआ था इसलिए मैंने ब्लैक से ही इसका 3D इफेक्ट दे दिया है। लाइट ग्रे कलर का शेडिंग आपको अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और डीप करना पड़ेगा मुझे ब्लैक कलर लगाकर। इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा मैंने डीप किया है, तो ज़्यादा अगर ज़्यादा डीप करने से ज़्यादा काला नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसे हल्का में ही किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।